चलो देखा देखो उसमें आ रहा क्या देखो जो आपका जब भी आप मुस्लिम लॉ पढ़ोगे तो थोड़ा सा अरब सोसाइटी के बारे में पढ़ना, ठीक है। अरब सोसाइटी में जो सुधार का काम जो था, जो उसको सिविलाइज करना था, ये मोहम्मद साहब ने किया, ठीक है। तो जो अरब सोसाइटी थी छोटे छोटे कबीलों में बटी हुई थी, और वो कबीलों वाले क्या करते थे, आपस में लड़ाई करते रहते थे, ठीक है। उनका केवल तीन चीज थी, W3 जिसको बोलते हैं, वाइन वार वोमेन, केवल उनको तीन चीज वाइन वार वोमेन, पहला दूसरा जो भी होगा निकलना, पहले वोमेन करेगा या फिर वाइन करेगा, ठीक है। वाइन वार वोमेन तीन चीजों से केवल बदे हुए थे, वही उनकी केवल तीन जरूरत थी। तो और शादी को लेके जो था, शादी किसी को तलाक देना, जिससे उनसे शादी कर लेना, मैक्सिमम शादी कर लेना, 10 शादी करना, 20 शादी करना, ये वहां पे ट्रेडिशन था। तो मोहम्मद साहब ने क्या किया कि जो राइट्स होते हैं उसको एक तरीके से क्या किया, आप इकट्ठा किया, जो वुमेन्स के राइट्स हैं, लेकिन वो सोसाइटी से ना भिड़ नहीं सकते थे भाई। लॉ को जब वो एकदम स्ट्रिक्ट बना देंगे तो क्या उसको कोई फॉलो ही नहीं करेगा, लोग विरोध करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ जो सुधार वाली चीजें जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर सकती थी, केवल उसको वही सुधार किया। जैसे शादी, अनलिमिटेड शादियां कर सकते थे, तो उन्होंने लगा दिया 1, 2, 3, 4 करो शादी, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम 4 तक आप कर सकते हो। रियल में तो बोला जाता है कि एक ही करने की बात उन्होंने की, ठीक है। और उसके बाद जो है और भी जो सुधार वाली ट्रेडिशन थे, जैसे आपस में लड़ते रहना, कबीला का कानून जो होता है, स्पेशल कानून होता था, उसको फॉलो करवाते थे सब, जो हेट चाहता था वही होता था। ये सबको मोहम्मद साहब ने दूर करके जो कुरान को लिखा होता, कुरान को, कुरान एक तरह से लॉ है, आपको कैसे जीना है, कैसे चीजें करनी है, सब चीजें उसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो कुरान के पहले, मतलब मोहम्मद साहब के पहले जो है, वहां 4 टाइप की मैरिज प्रचलित थी, ठीक है। 4 टाइप की मैरिज का वहां पे ट्रेडिशन था, नोट करें, देखिएगा क्या क्या था। पहला क्या था, पहला एक तरीके से क्या था कि जो गार्जियन होता था या फिर जो पेरेंट्स होते थे फीमेल के, वो फीमेल के पेरेंट्स क्या करते थे, लड़की को जो है सेल कर देते थे, कुछ जिसको जिसको शादी करनी होती थी उससे कुछ पैसा लेके उसको लड़की सेल कर देते थे, ठीक है। एक तो ये ट्रेडिशन था, और एक था कि वो जो हस्बैंड होता था वो अपनी वाइफ के लिए एक पर्सन को अपॉइंटमेंट कर देता था जो उसको प्रेग्नेंट करने का काम करता था, ठीक है, और उसको छोड़ के चला जाता था। तो एक अपॉइंटमेंट होता था एक पर्सन का जो फीमेल को प्रेग्नेंट करने के लिए होता था, ठीक है। मतलब कि किसी दूसरे को अपॉइंट कर दिया कि आप इनके साथ जो है इंटरपोज करिए, आप बच्चों की उत्पत्ति करिए, और मैं चला गया। और थर्ड क्या था कि फीमेल जो होती थी 10 लोगों से कम लोगों से जो है मैरिज करती थी, और जो बच्चा जन्म लेता था, जो बॉर्न चाइल्ड होता था, उसका फादर कौन है, इसका जो संकेत होता था, जो डायरेक्शन होता था, वो फीमेल बताती थी, ठीक है। देखो मैरिज क्या होता है, मैरिज में 2 चीज होती है। पहला क्या होता है, एक रिलेशन बनाने की वैधता होती है, मतलब किसको लीगलिटी होती है, और जो चाइल्ड जो जन्म लिया है वो लॉफुल है कि अनलॉफुल है, मतलब क्या होता है, वैध अवैध या फिर औरस्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए होती है मैरिज। तो भाई जिस भी लड़के का फादर कौन है, ये बात कौन बताता है, बताती थी फीमेल बताती थी, 10 लोगों से कम लोगों से मैरिज होती थी उसकी, और उसका फादर कौन होगा लड़के का, ये जो है इशारे से जो है फीमेल बताती थी, ठीक है। चलिए एक तो कोई नाम नहीं है, बता रहे ट्रेडिशन है, नाम नहीं है, ट्रेडिशन था सब, मैरिज के तरीके थे सब, ठीक है, नाम होगा। एक और तरीका ट्रेडिशन था कि जिस फीमेल को शादी करनी होती थी वो अपने घर पे फ्लैग लगाती थी,
ठीक है, और उससे लोग आते थे, रिलेशन बनाते थे, और जब चाइल्ड होता था तो चाइल्ड की जो क्या होते हैं फेसकट जो होता है ना, चेहरे का जो आकार, रंग रूप, ये सब देख के जो है डिसाइड होता था कि इसका फादर कौन है। नहीं आएगा एमसीक्यू में, पढ़ो थोड़ा जानो ना, डायरेक्ट एमसीक्यू बता देंगे कैसे पता चलेगा। कुछ मैंने की कांसेप्ट को जाना, मोहम्मद साहब ने क्या सुधार की बात की, एमसीक्यू के लिए बताइए ना। चलो ये हो गया, ये सब जो है कष्टा एक तरीके से कुरुतियां थी, तो मोहम्मद साहब ने क्या किया, इस सब को खत्म कर दिया। कुरान की एक आयत है, ठीक है, इसको आयत 3 है, सूरह 4, ठीक है, 4, सूरह 4 आयत 3, इसमें लिखा हुआ है अगर तुम्हें भय है, सुन लो, रीड नोट करो, ठीक है, सूरह 4 आयत 3, इसमें बोला गया है कि कुरान की आयत इसमें बोला जाता है, कुरान बोलता है कि अगर तुम्हें भय है कि तुम क्या बोलते हैं, तुम इक्वल अगर बिहेवियर नहीं कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें लगता है उचित है तो निराशित मतलब ऑर्फेन जो भी फीमेल है उसके लिए बोल रहा है कि तुम 1, 2, 3, 4 शादी करो, ठीक है, और नहीं कर सकते हो तो एक करो, मतलब क्या, अगर आप इक्वल बिहेवियर नहीं कर सकते हैं चारों के साथ तो केवल एक शादी करिए, और नहीं तो 1, 2, 3, 4 शादी करिए। अब सोचो कोई भी आदमी किसी के साथ इक्वल बिहेवियर नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब था उनका, कि आप एक ही शादी करिए, ठीक है। देखो ये सूरह 4 आयत 3 इंग्लिश में बोलते हैं इसको, लिखो इंग्लिश में लिखो, इफ यू फियर यू माइट फेल टू गिव ऑर्फन वुमेन, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे ऑर्फन वुमेन के साथ, देयर ड्यू राइट इफ यू वियर टू मैरी देम। चलो ऐसे जानो क्या लिखा है, क्या कुछ ऐसे क्यों आई नहीं, बस ये जानो कि मोहम्मद कुरान में लिखा हुआ इस आयत में कि अगर आप जो है और फिर वुमेन के साथ अगर आप इक्वल बिहेवियर कर सकते हो तो 1, 2, 3, 4 शादी करो, अगर नहीं कर सकते हो तो केवल एक शादी करो, ठीक है। चलो हाँ अब देखो भाई, चार शादी तो करते ही क्योंकि मानने वाले थे नहीं, जहां पे 50, 100, 150 शादी करते थे तो उनको चार शादी तक अगर सीमित कर दिया जाए तो अगर इसका इंटरप्रिटेशन ये होने लगे कि आप इक्वल बिहेवियर नहीं कर पा रहे तो एक ही शादी करो, तब उनको भी कष्ट पहुंचता, तो इसका एक और छूट मिला, ठीक है। ये छूट क्या थी, सूरह 4 की आयत 129, ठीक है, सूरह 4 आयत 129 129 एयरप्लेन मोड में डाल देते।